What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 11 मार्च 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:26 हो रहे हैं। निफ्टी और दुनिया भर के बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जो कोरोना वायरस का टेंशन चल रहा था उसमें अभी क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उसका वॉर अभी शुरू हो गया है दुनिया भर में। सऊदी अरेबिया और वर्सेस रशिया, ये इन दोनों देशों के बीच में ऑयल के प्राइजेस जो है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त घमासान चल रहा है। तो अभी इसके मद्देनज़र जो पेट्रोलियम कंपनी है इंडिया की टॉप की रिलायंस, उसमें भी 12% की गिरावट हमें मंडे को देखने मिली। तो अभी ये कहाँ तक चलेगा, कोरोना वायरस कब तक रिकवर होगा? कोरोना वायरस से दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, एक एक कंट्री इसमें ज़बरदस्त ये फैल रहा है। तो काफ़ी दुनिया भर में कॉशंस के तौर पर बाहरी लोगों के लिए एंट्री बंद कर दी है, तो इसका असर सीधा उनके बिजनेस के ऊपर भी गिर रहा है। तो आने वाले Q3 Q4 का जो रिजल्ट है उसके ऊपर काफ़ी इसका असर गिरेगा। जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी मूडीज ने यहाँ पर घटा दी है। तो अभी निफ्टी में क्या हालात है, कहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट है? टेक्निकल सपोर्ट जो हम मार्क कर रहे हैं वो एक एक निफ्टी इंडेक्स ब्रेक कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, कहाँ तक ये निफ्टी की जो गिरावट है वो हमें और दिखाई दे सकती है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। मंडे की गिरावट के बाद ट्यूसडे को नाजडेक और US मार्केट देखे तो यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिला। नाजडेक करीब 393 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि प्रेशर के साथ बंद हुए, इटली और ईरान में काफ़ी फैला हुआ है कोरोना वायरस। एशियाई मार्केट आज जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी में भी दबाव देखने को मिल रहा है, 118 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि चाइना मार्केट अभी हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 475 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर साफ तौर से बना हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से एक बार शुरू करेंगे फिर से। मंथली चार्ट में हमने इस लो और इस टॉप को पकड़ के ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था। इसका 23.6% का लेवल जो था वो 11,100 के पास आ रहा था। हमने देखा वहां पर एक पॉज लिया था निफ्टी इंडेक्स ने, हालांकि दो दिन में इसने ये निफ्टी इंडेक्स ने ये 23.6% का लेवल ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल जो था 38.2% यानी 10,289 के पास इसने ये कल अचीव कर लिया, यानी मंडे को, जहाँ पर ये 50 EMA भी आ रहा था। 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ पर पास्ट में अभी 2016 के बाद जब ये फॉल आ रहा है तो 50 EMA के पास ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखा रहा है। ये 4 बार, ये 5 बार और ये अभी 6th टाइम है। तो काफ़ी समय यहाँ पर 50 EMA के पास आने के बाद एक बाउंस बैक दिखा था। 38.2 ये टेक्निकल सपोर्ट भी है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक होने की उम्मीद है। लेकिन जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स में ये कोरोना वायरस का टेंशन बढ़ रहा है तो इसका सीधा असर ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर गिरेगा। तो ये टेंशन्स कहाँ तक निफ्टी इंडेक्स को और टूवर्ड साउथ की तरफ ले जा सकते हैं या कहाँ नहीं जा सकता। इसके नीचे 10,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे इस टॉप और लो को पकड़ के ये जो रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया इसका 50% भी निफ्टी इंडेक्स यहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। ये मेजर सपोर्ट है। अभी ये जो गिरावट आई है इसका जो सिम्टम्स है ये हमें इससे पहले RSI जो इंडिकेटर है ये हमें दिखा रहा था कि ये जो ऊपर की लेवल पे ये प्राइस एक्शन हमें हायर हाइज बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर हायर हाइज बना रहा है, लेकिन RSI देखें तो इसके उल्टा बिल्कुल रिवर्ट यानी लोअर हाइज बना रहा है, यानी यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ नहीं था। ये हमें RSI 2016 के बाद कंटिन्यूस लोअर हाइज बना रहा है। तो ये इंडिकेशन था लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में कि यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, भले ही प्राइस एक्शन हायर हाई बनाता हो। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स 10,000
का लेवल ब्रेक अगर करता है साइकोलॉजिकल बैरियर, तो हमें नीचे 9628 जो कि 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, ये भी यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में देखें तो एग्जैक्ट ये 10,289 का ये जो लेवल था, इसी के पास आके इसने मंडे को एक हॉल्ट ले लिया। तो अभी ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10,000 के पास एक स्विंग लोज बने हैं पास्ट में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे। तो ये अभी फोर्थ टाइम होगा अगर निफ्टी इंडेक्स 10,000 को ब्रेक करता है तो और भी यहाँ से प्रेशर गहराता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी इंडेक्स में। तो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट होगा 10,000 के बाद 9,628। तो यहाँ पर काफी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। और RSI को देखें तो ये 30 के लेवल के पास पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका है वीकली चार्ट में। 2016 के बाद ये 30 लेवल के नीचे नहीं गया है। तो अभी क्या अगर 10,000 को ये ब्रेक करता है तो नीचे और भी ये, जैसे कि 2008 में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2008 का फॉल था, तभी ये जो RSI है ये 30 के लेवल के नीचे चला गया था, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हुआ था और फिर बाउंस बैक हुआ था। तो क्या यहाँ से ही बाउंस बैक होगा या फिर ये और जो ओवरसोल्ड जोन है यहाँ से ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो सकता है, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जब तक प्राइस एक्शन में कोई भी बुलिश सिग्नल, रिवर्सल पैटर्न का सिग्नल नहीं बनता, तो यहाँ से लॉन्ग बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये वीकली और डेली चार्ट का सिनारियो है। टेक्निकली देखें तो बाउंस बैक का एक सपोर्ट बना हुआ है, देखते हैं वो सपोर्ट को बाउंस बैक लेता है या नहीं। जो इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं उसके भी नीचे काफी गैप डाउन ओपन हो रहा है 2-3 दिन से, तो इंट्राडे के लिए भी जो प्री प्लान बना रहे हैं उसके मुताबिक भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हालांकि लाइव मार्केट में जबरदस्त शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था, तो जो फ्रेशर्स है जो नए हैं वो अवॉइड करें कुछ दिन ट्रेडिंग करना, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो इस समय जो आपके छोटे स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकते हैं। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हैमर कैंडलस्टिक बना रहे थे उसके लोज ब्रेक होने के बाद निफ्टी इंडेक्स और भी हमें जबरदस्त गिरावट दिख रहा है, यानी जो बुलिश सिग्नल मिल रहा है उसका लो ब्रेक होने के बाद निफ्टी इंडेक्स और भी तेजी से नीचे की तरफ यहाँ से हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट लेवल के पास है 38.2% का। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि बाउंस बैक होता है 50 EMA जो कि मंथली चार्ट में आ रहा है, वहां से भी हमने पास्ट में देखा बाउंस बैक हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक हो, लेकिन जब तक प्राइस एक्शन में रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो ये डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस है। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं। काफी रिस्की होगा इस समय ट्रेड करना इंट्राडे, छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं इस मार्केट में। तो एग्जैक्ट जो फ्रेशर्स है और नए हैं वो अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए ट्रेड करना, ये सिर्फ कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए आइडिया है कहाँ पर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट लेवल आ सकती है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद एक हैमर कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ है, और उसके पहले भी एक हैमर क्रिएट हुआ था जहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि बाउंस बैक हो यहाँ से। अगर ये इस हैमर का ये जो लो है ये ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट है 10,350 का, तो 10,358 के नीचे अगर चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,320, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,282, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो ये जो लेवल है यानी 10,508 पिवट पॉइंट के जस्ट ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक हॉल्ट लिया था इसने, कोशिश की थी ऊपर जाने की लेकिन फिर से दबाव के कारण ये तेजी से नीचे आया था। तो ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है ये हो सकता है अभी रेजिस्टेंस का काम करे, तो 10,508 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,546, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,587, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो
तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।